Hello students, today we discuss same topic reflective. On the previous class we had discussed meaning of reflective. Today we discuss quality or attributes of reflective teaching. Let us discuss about this topic in detail. Quality of reflective attributes. First we discuss, it is the technique of self-observations. Reflective teaching में self-observation को ज़्यादा important दिया जाता है. It involves consideration of one's own learning. ये एक व्यक्ति या एक शिक्षक का total शिक्षण शैली और शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण माध्यम को देखा जाता है. Reflective thinking includes observing and critic our own actions, becoming truly reflective and then changing our behavior or act accordingly based on what we see. जैसे हम लोग जो देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम लोग को खुद का बिहेवियर में वो प्रतिफलित होता है या दिखाई पड़ता है, तो उसको हम लोग को बताने के लिए प्रयास करते हैं या पढ़ाने के समय में उसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब दर्शाते हैं, प्रतिबिंबित होता है, वो दिखाई पड़ता है बच्चों लोग का नज़र में, बच्चों लोग का समझने में, बच्चों लोग का प्रतिक्रिया में. जैसे हम लोग उसमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस और रिफ्लेक्टिव एक्शन, ये तीन चीज़ को हम लोग देखते हैं. जैसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बोलते हैं, उसमें हम लोग का बिहेवियर का देखा जाता है. जब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस होता है उसमें रीथिंक, रिकंसिडर, रिफ्लेक्ट्स, रीवर्क क्राफ्ट, डिसीजन मेकिंग, असेस कंसिक्वेंसेस और कंसिडर व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड टू माइंड, ये प्रोसीजर को हम लोग को फॉलो करना रहता है. जैसे पुनर्विचार करना, निर्णय लेना, आकलन करना और उसका परिणाम को देखना और आपका मन में जो चलता रहता है उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करना, ये सब को हम लोग को रिफ्लेक्टिव में देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्प्स फ्री द टीचर्स फ्रॉम इम्पल्स एंड रूटीन बिहेवियर. चिंतनशील शिक्षण शिक्षकों को आवेग और नियमित व्यवहार से मुक्त करने में मदद करता है. मतलब ये डेली अगर ये प्रक्रिया चलता है थोड़ा बोरिंग फील होता है, तो डे टू डे आपको एक्टिव रहने के साथ साथ नया चीज़ और नया माध्यमों को और नया प्रक्रिया को पढ़ाई लिखाई के दौरान में व्यवहार में लाना चाहिए, जिसके चलते ये ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में इसको प्रेजेंट करना चाहिए. इट शोज योर कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स योर स्टूडेंट्स दैट एनेबल्स देम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली एंड प्रिसाइज. ये ओवरऑल देखा जाता है बच्चे लोग इसको कितना अच्छा से इसको प्रेजेंट कर पाते हैं और कितना अच्छा से इसको समझ पाते हैं. रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस हेल्प्स टीचर्स टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन टीचिंग स्टाइल्स, टीचिंग बिलीव्स एंड टीचिंग आइडेंटिटीज. एज यू रिफ्लेक्ट यू विल बेटर अंडरस्टैंड योर रोल्स एज अ टीचर. बी अ रिफ्लेक्टिव टीचर, ऑनेस्टली लुक आउट ऑफ व्हाट यू डू फ्रॉम टाइम टू टाइम, इवैल्यूएट द पर्पस ऑफ योर रोल एज अ टीचर. आपको बीच बीच में आप क्या है, आपको खुद को जज करना होता है. आप व्यक्तिगत तौर पर क्या है और प्रोफेशनल के तौर पर क्या है और सामाजिक नज़र में आप क्या है, उसको समय अनुजाई समय के हिसाब से आपको प्रेजेंट करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है. मतलब आप इवैल्यूएशन को प्रोसीजर जब फॉलो करते हैं तो डे टू डे में पढ़ाने के दौरान में हो या सालों एक साल का अवधान के अंतराल में हो, तो यहाँ पे तीन चीज़ को जब आप इवैल्यूएट करते हैं, एक्टिव, पर्सिस्टेंस एंड केयरफुल. जब एक्टिव रहते हैं तो बच्चे लोग के सामने डिलीवर करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई शिक्षण अधिगम को प्रेजेंट करते हैं. देन पर्सिस्टेंस, आप वहाँ पे जब टोटल पढ़ाते हैं उसी दौरान में आपको जज करना रहता है जो हम कितना पढ़ाए और बच्चे उसको कितना समझे और कितना उसका प्रतिक्रिया कर पा रहे हैं. केयरफुल मतलब यहाँ पे नर्चरिंग क्वालिटी होता है, केयरिंग योर स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली ड्यूरिंग योर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसीजर. आप केयर लेते हैं बच्चों को, नर्चरिंग करते हैं. नेक्स्ट,
रिफ्लेक्टिव टीचिंग डिस्टिंग्विशेस टीचर एज ए एजुकेटेड ह्यूमन बींग। आप आज ह्यूमन बींग इट एनेबल्स यू टू एडजस्ट लेसन प्लान्स टू डिफरेंट बिटवीन क्लासेस एंड चिल्ड्रेन, वेरी द मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंग टू सच फैक्टर्स, काइंड्स ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास, पर्पस ऑफ द लेसन्स, एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रेन, एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका चीज़ है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका क्वालिटी है। बच्चों को कैसे समझना होता है, कैसे आपको उनको पढ़ाते हैं, कितना नॉलेज उनको प्रदान करते हैं, ये आपको डिफरेंट करता है, डिस्टिंग्विश करता है एजुकेटेड एंड ह्यूमन बींग। मतलब जो टोटल सोसाइटी में आप अगर करते हैं, ये तो बच्चों के सामने हो जाता है, जब ओवरऑल सोसाइटी की तरफ से हो या आपका पर्सनल बैकग्राउंड के अंदर में हो, आपको डिफरेंशिएट कर लेता है, आपको अलग कर लेता है, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन और क्वालिटी आपको आपका पोजीशन या आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी और आपका नज़रिया को बढ़ावा देता है। देन इट इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग आवर थॉट्स, अजम्पशंस, बिलीव्स, थियोरी बेस्ड ऑन एक्शंस। यहाँ पे बताते हैं आपको डिस्क्राइब करना होता है, वर्णन करना होता है, एनालाइजिंग करना होता है, विश्लेषण करना होता है, मूल्यांकन करना होता है, आजम करते हैं, विश्वास भी करते हैं, और तीन स्टेप को आप लोग फॉलो करना होता है। लुकिंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे देखना होता है, फ्यूचर प्लान को हमेशा देखना होता है, फ्यूचर आगे में क्या आएगा, कमिंग सिचुएशन को हमेशा देखा जाता है, आगे में क्या आएगा, लुकिंग आउट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग नाउ, और प्रेजेंट सिचुएशन में देखना होता है, जो अलर्ट रहना होता है, और प्रेजेंट सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन में मतलब ये ओवरऑल प्रेजेंट सिचुएशन में जो करिकुलम और सिलेबस पैटर्न को फॉलो करना होता है, और लुकिंग बैकवर्ड, और आप क्या पढ़ाए हैं और कितना नॉलेज आपके पास है, और आप किस प्रोसीजर को फॉलो करते आ रहे हैं, और जब आगे फॉरवर्ड को देखते हैं तो आपके पास नया न्यू इनोवेशन, न्यू क्रिएटिविटी डेवलप होता है। जब प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं तो स्टेबल और सिंपल स्टेज में आपको जिस कंटिन्यूइंग करना होता है, निरंतर आप चलाए रखते हैं पढ़ाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, और जब लुकिंग बैकवर्ड होता है तो ये आपका एक्सपीरियंस में जाता है, आप कितना नॉलेज लिए हैं और कितना एक्सपीरियंस गेन किए हैं, ये आपका बैकवर्ड में होता है। ये ओवरऑल तीन प्रोसीजर आपको फॉलो करता है, जे आप उसको तीन प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हैं, ओवरऑल आपका टीचिंग प्रोसीजर आप बहुत बेटर भी कर पाते हैं, और बच्चों लोग के सामने बहुत अच्छा से प्रेजेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ मार्क ऑफ ए कंसर्न टीचर हु इज स्किल्ड एनफ टू एग्जामिन हिज और बिलीव्स, वैल्यूज एंड अजम्पशंस बिहाइंड द टीचिंग प्रैक्टिसेस। जैसे टीचिंग प्रैक्टिसेस का बात बोलते हैं, अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड रेगुलर असेस द चिल्ड्रेन एंड ऑल्सो सीक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज्म अबाउट द टीचिंग फ्रॉम चिल्ड्रेन एंड कॉलीग्स। यहाँ पे जब टीचिंग प्रैक्टिस होता है, यहाँ पे आपको ओवरऑल बच्चों के सामने आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, आपका वैल्यू कैसा है और आपका बैकग्राउंड में कैसे हैं, आप कितना ट्रेंड है, ये सब चीज़ को मार्किंग किया जाता है। जैसे बताया जाता है कैसे रिफ्लेक्शन आप करते हैं, कैसे आप प्रतिबिंबित करते हैं बच्चों के सामने, थिंकिंग ऑफ माइंड सेल्फ एज अ टीचर, खुद को एक टीचर के हिसाब से हमेशा ये करना चाहिए, सोचना चाहिए और वो सोच रखना चाहिए। सीइंग द चाइल्ड, बच्चों को भी देखना होता है, हाइपोथेसाइजिंग नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर को देखना होता है, क्वेश्चनिंग और बीच बीच में क्वेश्चन करना होता है, बच्चों को करना होता है, पर्सनल इंडिविजुअली तौर पर भी क्वेश्चनिंग करना होता है, ट्राइंग आउट मतलब नया नया चीज़ को अटेम्प्ट करना चाहिए, नया नया प्रैक्टिसेस, नया नया ट्रेनिंग, नया नया मतलब टेक्निक्स को यूज करना चाहिए, और उसके बाद रिफ्लेक्टिंग आफ्टरवर्ड्स मतलब ओवरऑल आप जब इवैल्यूएट करते हैं पर्सनली तौर पर और बच्चों को जब इवैल्यूएट करते हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स योर स्टूडेंट्स। फिर रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिसेस में, यहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिसेस और रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिसेस होता है, तो यहाँ पे आपको जैसे टेक्निकली चीज़ को आपको यूज करना होता है, कितना ट्रेंड होते हैं, ये सब देखना होता है। ये प्री सर्विस और पोस्ट सर्विस टीचर के लिए बहुत फ़ायदा देता है, जी ये क्वालिटी आप में डेवलप हो पाए। नेक्स्ट,
रिफ्लेक्टिंग टीचिंग प्रैक्टिसेस हेल्प्स टीचर्स टू हैव ए डीपर अंडरस्टैंडिंग देयर ओन टीचिंग स्टाइल से। यहाँ पे वो जो बताए ट्रेनिंग प्रोसीजर का आपको फॉलो करना होता है, कितना ट्रेंड है और कितना कितना टेक्निक्स आप यूज करते हैं, ये आपका टीचिंग स्टाइल मतलब शिक्षण शैली में झलकता है। और शिक्षण शैली के द्वारा ही आप अपना कितना सिंपल पढ़ाई होता है या कॉम्प्लेक्स होता है पढ़ाई, बच्चे लोग उसको आराम से समझ पाते हैं या डिफ़िकल्ट होता है समझने में, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे टीचिंग स्टाइल ओवरऑल फोकस करता है आपका टीचिंग स्टाइल कैसा है। जैसे बोलते ओपन माइंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी होल हार्टेडनेस और नीडेड फॉर टीचर्स टू ट्रांसलेट देयर ओन थॉट्स इनटू रिफ्लेक्टिव एक्शंस। आप कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और ओपन माइंडेड होना चाहिए, हमेशा फ्री होना चाहिए और प्लीजिंग पर्सनैलिटी होना चाहिए और अपीयरेंस में हमेशा क्या बोलते हैं प्लीजिंग पर्सनैलिटी होना चाहिए जो सबको अच्छा लगे और सबको समझ में आए। और जब आप पढ़ाते हैं तो उसको बच्चे आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो और ये बात होता है और भी क्लासरूम में करना होता है, टीचर्स हो कॉन्शियसली यूज रिफ्लेक्टिव एक्शंस इन टीचिंग कंटिन्यूअली एंड परसिस्टेंटली इम्प्रूव वेज टू टीच स्टूडेंट्स एंड मैनेज क्लासरूम इवेंट्स। ये रिफ्लेक्टिव बात में बोलते हैं कंटिन्यू में आपको बच्चों को पढ़ाना होता है, उसके साथ साथ आप जो टीचिंग का स्टाइल यूज करते हैं और आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, आपका जो प्लीजिंग पर्सनैलिटी होता है, ये बहुत मतलब गहराई से बच्चों को समझने में मदद करता है। देन रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ अबाउट ए स्किल्ड टीचिंग ऑफ नोइंग व्हाट टू डू। यहाँ पे आपको बता देता है जी मतलब मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इंक्लूड्स ऑब्जर्विंग एंड क्रिटिसाइजिंग आवर ओन एक्शंस एंड बिकमिंग ट्रूली रिफ्लेक्टिव एंड देन चेंजिंग आवर बिहेवियर्स एक्ट्स अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन व्हाट वी सी। हम क्या देख पाते हैं, हम क्या जज कर पाते हैं, कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं और मैं क्या करना चाहती हूँ और मैं कैसे बच्चे लोग को पढ़ाना चाहती हूँ और कितना मैं पढ़ा पा रही हूँ, ये ओवरऑल पर्सनल इंडिविजुअल जजमेंट होता है। इंडिविजुअल आप जज कर पाते हैं और इसको आप समझने को प्रयास करते हैं और ये कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने के दौरान उनके सामने प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ पे भी इट आस्क द लर्नर्स टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग, ये भी स्टूडेंट को भी हेल्प करता है जो वो अपना नज़रिया को भी समझे और नज़रिया को भी बदले। और ये एक होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर होता है, बोथ स्टूडेंट एंड टीचर इन्वॉल्व थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन। बोथ स्टूडेंट एंड टीचर इन्वॉल्व होते हैं खुद को आकलन करने में और खुद को समझने में और खुद को अवलोकन करने में प्रयास करते हैं। दस To better equip teachers, reflective teaching must become an integral component in the teaching process of pre-service teachers. ये pre-service teacher को help करता है overall उनको thinking, practice and action level को develop करवाता है। और यहाँ पे pre-service teacher मतलब जब आप पढ़ने का जैसे BEd student अभी वो pre-service teacher मतलब वो service नहीं किए हैं, अब जैसे बच्चे लोग जाते हैं practice teaching देते हैं school में जाते हैं पढ़ाते हैं, आज pre-service teacher के हिसाब से उन लोग को पढ़ाते हैं। ये वन टाइप ऑफ कंपोनेंट जैसे थिंकिंग प्रैक्टिस और एक्शन उनको हेल्प करता है और एज ए बेटर टीचर हिसाब से आपको बहुत अच्छा टीचर के हिसाब से आपको गाइड करता है। इक्विप टीचर्स मतलब ये आपको पर्सनली मतलब इंस्ट्रूमेंट हिसाब से औजार के हिसाब से आपको हेल्प करता है जो आपका जो पढ़ाने का क्वालिटी होता है। जैसे डिज़ाइन द लेसन्स फॉर डीपर स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों को बहुत आसान से समझ में आए उस हिसाब से लेसन प्लानिंग बनाना चाहिए। चूज द इवैल्यूएशन मेथड फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इवैल्यूएशन मतलब क्वेश्चनेयर बनाना है, उसके हिसाब से आंसर भी बनाना है, बच्चों को किस हिसाब से आपको क्वेश्चन देते हैं और बच्चे उस हिसाब से कैसे आंसर तैयारी करते हैं, ये भी वन टाइप ऑफ इवैल्यूएशन हेल्प करता है टीचर को। और ये स्टूडेंट को ये प्री सर्विसेज टीचर भी पीरियड में आपको करना होता है, अभी जैसे बच्चे लोग भी कर पाते हैं और उनको ये हेल्प करता है जो कि अपना टीचिंग स्टाइल और टीचिंग ट्रेनिंग टीचिंग स्टाइल एंड टीचिंग एटीट्यूड को डेवलप कर सके। ओवरऑल आज हम लोग रिफ्लेक्टिव टॉपिक कंप्लीट कर लिए, कोशिश करेंगे और एक नया टॉपिक लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।